अलीपुर जू। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अलीपुर जू, जैसे अलीपुर चिड़ियाखाना भी कहा जाता है। और यहाँ पे वो हर एक प्रकार का जानवर रखा गया है जिसे हम लोग अक्सर टीवी पे देखा करते हैं, जैसे व्हाइट टाइगर और जिराफ, पिकॉक, व्हाइट पिकॉक और बहुत कुछ ऐसा है। और एक पोज देता हुआ टाइगर भी, बहुत जानवर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप मेरा व्लॉग एंड तक देखते हैं। तो बने रहे मेरे व्लॉग पे, चलिए चलते हैं। तो हेलो हेलो एंड वन थोड़ा क्या बोला तूने? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ, काफ़ी फेमस है, एक टूरिस्ट प्लेस भी आप इसे बोल सकते हैं। और मैं जिस जगह आया हूँ वो है अलीपुर जू। और यहाँ पे काफ़ी ऐसा जानवर है जो हम लोग अक्सर डिस्कवरी में देखा करते थे, जो आज मैं आप लोगों को मेरे व्लॉग के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये स्पॉटेड डियर है जो अक्सर हिमालयस में पाया जाता है और श्रीलंका में। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का हरिण है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ब्राउन एंटरलेट डियर फाउंड इन लोकटक एट मणिपुर। यहाँ पे भी डियर ही है, सिर्फ सिर्फ हरिन 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 हरी हरी हरिन। शायद वहाँ पे खाने का है या फिर पानी है। महाराष्ट्र क्रोकोडाइल फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार में पाया जाता है ये क्रोकोडाइल। काफी दूर में है भाई, दिख तो जा। बहुत ही जूम करना पड़ रहा है। अच्छा उस जगह पे भी है, उस जगह पे यहाँ सामने से दिखाई दे रहा है क्रोको भाई। ये सामने है, सामने से आप लोगों को फ्रंट कैमरा से दिखा देता हूँ। येलो एनाकोंडा, देखते हैं येलो एनाकोंडा कैसा है। कहाँ है भाई येलो एनाकोंडा? येलो एनाकोंडा, एनाकोंडा भैया भाग दिया। तो एनाकोंडा सेक्शन में तो कुछ दिखा नहीं, शायद ऐसी फिजूल में लगा के रखा या फिर एनाकोंडा गया था बाथरूम, पता नहीं। लेकिन तो फिलहाल देखते हैं राइनो किधर है भाई, एक भी तो नहीं दिख रहा है। किधर है भाई, एक भी तो नहीं है। किधर है भाई? एक भी तो नहीं है राइनो। कहाँ गया यहाँ का राइनो? भाग गया शायद। कहाँ है यहाँ का सब? यहाँ का राइनो, राइनो ट्रीटमेंट हुआ है अंदर में। किधर है ट्रीटमेंट हुआ है? क्या चीज का? पता नहीं, तबियत शायद खराब हुआ होगा। खुला नहीं, सुबह से नहीं आया अभी तक। राइनो का ट्रीटमेंट, बुखार उखार लगा है क्या?
राइनो को बुखार लगा है। आगे देखते हैं आगे और क्या है भाई। इधर क्या है लियोपार्ड। काफी दूर में अभी मिरर में भाई लियोपॉड के नाम पे अच्छा स्कैम है भाई। एक ही लियोपॉड है, ऊपर से दिख भी नहीं रहा है क्या है क्या है। आगे देखते हैं आगे और क्या है। आगे 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 पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ पे क्या है वीर अच्छा खासा। मेरे ही टाइम में भाग गया। मेरे ही टाइम पे लियोपॉड दिखता नहीं है भाई। फिलहाल ये तो जैगुआर था, लियोपॉड नहीं था। तो आगे देखते हैं और क्या दिख सकता है। इधर क्या है फिशिंग कैट। ये है जंगल कैट। मेरा पड़ोस का बिल्ली ऐसा लग रहा है, उसी को पकड़ के डाल दिया लगता है। हाँ जंगल कैट तो देख लिया इसका। अभी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे भी कुछ है, हाँ लायन जैसा कुछ लग रहा है। शेर, शेर आया, शेर आया। हाय ये गोल्ड टाइगर थोड़ा सा इधर से दिखाया जाए। टाइगर का नाम भी है आई एम राजा बंगाल वाइट टाइगर। तो एक ही टाइगर है व्हाइट टाइगर, जिसे हम लोग बंगाल टाइगर भी कह सकते हैं। एक ही दिख रहा था फिलहाल, कितना है पता नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आगे ये क्या है, ये भी एक टाइगर का ही जोन है। तो ये है मिस पायल, आगे काफी सुस्ता रही है और ब्लॉगिंग करते वक्त मुझे मिला एक नया दोस्त। ये कैनिंग से था और था इसके साथ में सुंदरबन से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। तो ये लायन सुंदरबन का है, इसे अभी अलीपुर जू में लाया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। ओ, क्या हेवी पोज है। लेकिन सही है, पोज देता है। इसका भी देखो पोज कैसा है। कैसा महक है, देखो बहुत गंदा महक है।
एक चीज़ है जिसे हम लोग टीवी में देखते थे और डिस्कवरी चैनल में देखा अक्सर देखा करते थे, उसे आज पास से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी डरावना भी है, लेकिन काफ़ी सूख भी गया है टाइगर। तो यहाँ पे एक स्निशी नाम की एक टाइगर भी है, तो आइए आप लोगों को वो दिखाते हैं। लगता है इसको कुछ खिला दिया है, इसी जगह बार बार घूम रहा है। तो फिलहाल देखते हैं आगे की तरफ और भी कुछ अगर दिखे तो देखे। यहाँ पे खाने पीने का भी सामान मिल जाता है, सुना गया है कि काफ़ी एक्स्ट्रा प्राइस लिया जाता है, इन क्या कर लगता उनको भी यहाँ पे शायद रेंट देना पड़ता होगा इसीलिए। और यहाँ पे टॉयलेट भी है पीछे की तरफ, काफ़ी अंदर की तरफ है। ये शायद हम आ चुका है कुछ स्टोर एरिया के सामने फिलहाल। तो फिलहाल मिला कुछ नहीं अभी तक, देखते हैं आगे और क्या है। काफी अंदर में है लेकिन अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। आइसक्रीम मिला, खा लेता है। आइसक्रीम का मजा ये कहाँ है? अच्छा बर्ड, वाह मिट्ठू साहब मिले हैं। मिट्ठू जी आइए देखते हैं, आइसक्रीम खत्म कर लेता उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। मकाओ काफी रंगीन बर्ड है, कुछ यहाँ भी है दो डेटिंग कर रहे हैं और ये वाइट में है। यहाँ पे वेस्टर्न फ्लो पीजन, वाह तो फिलहाल आगे की तरफ और भी है बर्ड, इम्यू। ये है मैक्सिकन रेड हेड अमेज़न पैरट, तो काफ़ी डिसिप्लिन में बैठा है भाई, वाह काफ़ी डिसिप्लिन है। सही का हेड कहाँ गया? एक वो है जो डिसिप्लिन में नहीं बैठा है, बाकी सब डिसिप्लिन में बैठा हुआ है एकदम, शायद पिटाई हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स वगैरह का ही केज है, हर जगह बर्ड्स ही है, कोई इधर उधर अच्छा से दिख नहीं रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इस जगह पे शायद आई थिंक हिप्पो है, तो आप लोगों को वो दिखाते हैं। हिप्पो पोटोमास नामो देखा है।
तो फिलहाल इस जगह पर सिर्फ हिप्पोपोटामस सिर्फ दो था और कुछ है नहीं। देखते हैं आगे जाके और क्या मिल सकता है हमें इस अमेज़न जंगल में। अमेज़न जंगल नहीं, ये है अलीपुर ज़ू। तो देखते हैं और यहाँ पे क्या मिल सकता है। फिलहाल तो उम्मीद अब नहीं लग रहा है क्योंकि 4 बज गया है, 1 घंटा लास्ट बचा हुआ है अभी मेरे पास में। 1 घंटे के अंदर कितना कवर कर सकते हैं देखना पड़ेगा। इस जगह पे काफ़ी दूर में एक शेर है, भाग शेर आया या वही शेर है, बहुत दूर में है भाई। बहुत दूर में खाना खाने के अभी इस लोग का आराम करने का टाइम है। गिद्ध, ब्लैक वर्चुअल, उड़ने की कोशिश लेकिन ऊपर में खिलाड़ी आगे नहीं जा सकते हैं, खिलाड़ी इसके ऊपर और कहीं नहीं जा सकते हैं। ये इनका लास्ट, ये खिलाड़ी इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं वरना वो आउट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ खिलाड़ी इस जगह पे वाइट इंडियन पिकॉक। हाय, हेलो हेलो पिकॉक, हेलो हेलो सर, आर यू देयर? मैडम ठीक बारू का हो? मैडम सर जी कहाँ हो? हाई हाई देखो सर जी से, हरी बाबा हाई बा पीकॉक, ऐ पंख फैलाओ, ऐ पंख फैलाओ। इस ससुर शिक्षण बोला था आगे देखी, अरे ससुरा होने बैठल बा एगो मिल यो एगो पीकॉक के बा वाइट पिकअप। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे दो बजे के बाद या फिर 12 बजे के बाद आते हैं तो टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा आप मत ही आए। 9 बजे ये खुलता है, 9 बजे के टाइम में अगर आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा, उस टाइम में सब सही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देखते हैं और बेटाइम आते हैं तो आपको कुछ नहीं देखने मिल सकता है। काफ़ी कोई सोया हुआ है, कोई उधर घूम के बैठा है, कोई उधर उसकी बीवी ने उसे मारा वो उधर घूम के बैठा है, तो कुछ नहीं देखने मिल सकता है। ब्लैक कॉपर काफ़ी दूर में है भाई साहब, अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ है। अपना बेगम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, चल इसे डिस्टर्ब नहीं करता है, आगे बढ़ता है, आगे क्या है। ये भी काफ़ी डिसिप्लिन में है, ब्लू फ्रंट अमेज़न पैरोट। हाथी मेरा साथी किधर है भाई? अच्छा उधर है, वो साइड में हाथी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर शाम के टाइम में अगर आप लोग आते हैं तो कुछ नहीं देखने पाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सबको निकाला जाता है और अभी टाइम है सबको रख देने का। सबको अंदर केज में, एक अलग से केज रहता है उन लोगों का, तो अलग से ये टाइम है उन लोगों को एक अलग से केज में डाल देने का। तो इस समय तो अब तो कुछ मिलने का नहीं, तो आप लोगों को यहाँ का भीड़ दिखा देते हैं। ये है यहाँ का भीड़,
तो एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप सोचते हैं कि इसका प्राइस अभी 30 रुपये ही है तो आप गलत है। इसका प्राइस अभी चेंज हो चुका है, 50 रुपये है। अगर आप 30 रुपये सोच के आते हैं तो ये एक भूल रहेगा आप लोगों के लिए। इसका प्राइस 50 रुपये हो चुका है पर पर्सन। तो और अगर आप आते हैं तो 9 बजे निकल जाइए, 8 बजे करीब से 8 बजे निकल जाइए, 9 बजे विजिट कर जाइए। यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। और इस समय हर कोई अंदर चला जाता है केज के अंदर में, तो उतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं आते हैं तो। आपको अंदर और दिखा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा बर्ड है लेकिन केज मुझे इतना नहीं लगता कि इसमें इतना मछली है कि ये लोग का पेट भर सके। ये रहा सारा बर्ड, हर कुछ। ये बहुत बड़ा केज है, इसमें करीबन 5 प्रकार का तो है बर्ड, और उसमें एक कौवा भी है। शायद कहीं होल है उसके थ्रू कौवा घुस चुका है। कौवा भी मछली खाने आया है। बाय द वे कौवा इज ऑल्सो ए बर्ड क्रू। यहाँ पे पिकनिक भी हो रहा है। इसके अंदर एक पार्क है, इसमें क्या है? आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये एक पार्क है और काफ़ी कुछ खाने को भी मिल रहा है यहाँ पे। आप अगर पार्क आते हैं तो आपको खाने का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको इस पार्क में मिल जाएगा, आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं, एक पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हैं आप। इसमें काफ़ी लोग हैं इसमें, तो एक अच्छा पिकनिक भी आप मना सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। तो देखते हैं अभी आगे और क्या मिल सकता है। लेट्स सी, जिराफ आई थिंक यहाँ पे मिल जिराफ मिल सकता है। आइए देखते हैं। ये खाने का जगह है, तो फिलहाल इसे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बोल सकता है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे आदमी आप लोगों को दिख सकता है। भैया बोल रहे हैं कि जिराफ किस तरफ है, बता सकते हैं? जिराफ आपको घूम कर जाना पड़ेगा। किधर? वहाँ से मेन गेट रास्ता है। यहाँ से नहीं है, इधर से यहाँ जाइए, सीधा मेन रास्ता पकड़ लीजिएगा, देखिएगा दाहिना तरफ जो ब्रिज है, ब्रिज पार करके जाइए। यहाँ से उधर जाके ना? हाँ। यहाँ से उधर जाके ब्रिज पार करके? हाँ। ठीक है, थैंक यू। यार सब कुछ देख लिया, जिराफ देख ले, जिराफ देख ले, धन्य हो जाए प्रभु। गुफा है, गुफा, अकेले हम, अकेले तुम। जिराफ किस तरफ है भाई? यहां से ऊपर जाता है ये, यहां पे हाँ।
कहा था ना शाम के वक्त। वेलकम टू आवर पैराडाइज। आ गया है जिराफ सेक्शन में, आइए देखते हैं जिराफ किधर है। जिराफ भाई कहाँ है? पुल से गुजरने के बाद जिराफ मिल सकता है, आइए देखते हैं। ये रहा। तो आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ, ये जिराफ आखिरकार मिल चुका है। वाह क्या बड़ा है भाई। जाके तारे जल तो आज से बार यही तो बहुत है। क्या भरा है भाई, मेरे से भी लंबा। मजा। तो फिलहाल जिराफ देख लिया हमने और जू बंद होने का टाइम भी हो चुका है, 6 बजे बंद होगा जू और अभी हो चुका है 5:40, तो अब निकलना भी है यहाँ से, तो अब चलते हैं आगे। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं गेट किस तरफ है। तो जितना लोग दिख रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से लग तो रहा है कि ये काफी अच्छा टूरिस्ट एरिया भी बन चुका है। बहुत अच्छा टूरिस्ट एरिया है। तो अब मिलते हैं, तो अब अलविदा लेते हैं आप लोगों से और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग पे। तो काफ़ी कुछ कवर करने का मन था लेकिन टाइम पूरा होने के कारण कुछ कवर नहीं हो पाया है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो को भी अच्छा खासा पसंद करेंगे और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास ज़रूर लेके आऊँगा जल्द से जल्द। और मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छा पिकनिक स्पॉट, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। उस जगह से गेट बंद हो चुका है, मेन गेट से निकलना पड़ेगा, मेन गेट इस तरफ है। तो चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगा एक अगले व्लॉग पे।